बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टोयोटा प्राडो के दरवाज़े पे डेंट था। उसके मालिक ने डेंट वाला दरवाज़ा कभी मरम्मत नहीं कराया। कोई पूछता तो बस यही कहता, ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला कर देता। सरगोशी सुनोगे या ईंट से बात सुनोगे? एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू टोयोटा प्राडो में दफ्तर से DHA में वाके घर जाते हुए एक पसमांदा इलाके से गुज़रा जो मज़ाफात में ही वाक़ था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी, मगर फिर भी उसने बच्चे को कोई चीज़ उछालते देखा। ठक की आवाज़ के साथ एक ईंट उसकी नई गाड़ी के दरवाज़े पर लगी थी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाज़ा देखा जिस पर काफ़ी बड़ा डेंट पड़ चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और ज़ोर से झंझोड़ा, अंधे हो गए हो पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो ज़ोर से दहाड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर निदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नशेबी इलाके की जानिब इशारा किया, उधर मेरा अब्बा गिर पड़ा है, बहुत वज़नी है, मुझसे उठ नहीं रहा था, मैं क्या करता साईं? बिजनेस एग्जेक्टिव के चेहरे पर एक हैरानी आई और बच्चे के साथ साथ नशेबी इलाके की तरफ बढ़ा तो देखा एक माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हीलचेयर गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वज़न के बायस बच्चे से व्हीलचेयर संभाली नहीं गई और नीचे आ गिरी, और साथ ही पके हुए चावल भी गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटे के कहीं से मांग के लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवा कर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जेक्टिव के गले में जैसे फंदा सा लग गया। उसे मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर बहुत नदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए मजदूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हीलचेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरे पर खराशों से भरा हुआ था। वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए में से 50,000 निकाले और कपकपाते हुए हाथों से मजदूर की जेब में डाल दिए। फिर टिशू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हीलचेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूयत के आंसुओं से उसे देखता रहा और फिर बाप उसको लेकर अपनी जिब्बी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसल आसमां की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती इदारे के तावन से झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो प्राडो उसके पास मज़ीद 5 साल रही, ताहम उसने डेंट वाला दरवाज़ा मरम्मत नहीं कराया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता, ज़िंदगी की दौड़ में इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी को रोकना पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियाँ करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसके बात सुनने से इनकार कर देते हैं
तो कभी कभार हमारी तरफ ईंट भी उछाल देता है, फिर वो बात हमें सुनना ही पड़ती है। हम जहाँ मुलाजमत, बिजनेस, ख़ानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियाँ बिखरी पड़ी हैं। अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियाँ सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आए। ये एक अलार्म है जो खुदा की ज़ात की तरफ से गाइब से आता है। आप सबसे गुजारिश है, इस कहानी पे गौर कीजिएगा। इसमें इस्लामी, अखलाकी और नफ्सियाती एक सबक है, और वो सबक ये है कि आपने जागते रहना है, अपने आसपास के लोगों की खबर रखनी है, सोशल आइसोलेशन का शिकार नहीं होना, बल्कि आपने सोशल डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बनना है। समाज को बेहतर करें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर करें और पॉजिटिविटी माशरे में फैलाएं। यही आज का सबक है। गुजारिश है कि हमारे चैनल गुल इन्फो फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Kindly like, share, comment and subscribe. Good info for you. Specifically, psychology tuitions online, offline, A levels, FA, BA, BSc, BS, MSc, CSS, PMS and recruitment tests and the preparation of interviews of all PPSC and FPSC. Don't forget to watch and subscribe. Gul Info for You, a psychology content channel helping Pakistani youth to successful everywhere.